गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, आज का हमारा जो वीडियो है ना बेटा, वो किसके बारे में होने वाला है? वो होने वाला है एटीपी के बारे में। ओके, कि एटीपी क्या होता है, ओके, एटीपी के स्ट्रक्चर क्या है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है और एटीपी के यूजेस क्या क्या है। हाँ, ये कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपने एटीपी के बारे में सुना होगा ना कि एटीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है अबाउट फॉर द सेल। सेल का जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, चाहे उसमें कैटाबॉलिज्म आ जाए चाहे उसमें एनाबॉलिज्म आ जाए, दोनों तरह के रिएक्शन में एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे एटीपी के बारे में। ओके, एटीपी क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास में कि हमारे पास में क्या है, ये एटीपी है। क्या भाई, ये एटीपी है। तो एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको? जैसे सुनो यार भाई, अगर हम बात करें सेल जो होता है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है और चलती भी है, सही है ना? तो इन केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ओके, और ये जो एनर्जी होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एटीपी मॉलिक्यूल। क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे सुनो बेटा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सेल होता है क्या होता है, सेल होता है, तो सेल को हम क्या बोलते हैं, हमारी फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हमारी किस्सा, इसको हमारी फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि सर जो भी फंक्शन सेल में होंगे ना, वो कौन कराएगा, वो कौन कराएगा, मतलब एक्चुअली जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होंगे वो कौन कराएगा, वो सेल कराएगा। बट सेल कैसे करा देगा, क्या सेल को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो सेल को क्या चाहिए सारे काम कराने के लिए, वो चाहिए एनर्जी। और सेल जो होता है वो एनर्जी कहां से लेता है, सेल जो होता है वो एनर्जी लेता है बेटा आपके पास में एटीपी से। किससे लेगा भाई, सेल जो होता है वो एनर्जी लेता है आपके एटीपी से। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक एटीपी के बारे में ये होने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया। यानी आपको कोई भी चीज करनी हो, आपको कोई भी चीज खरीदनी होगी है ना, परचेज करनी होगी, तो आपको क्या चाहिए, आपको रुपया चाहिए। क्या चाहिए, रुपया चाहिए, तभी आप खरीद पाएंगे, अदरवाइज आप खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, करेक्ट ना? चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे चीजों को, है ना? तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। बताइए आप मुझे एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर अपन बात करें एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में। तो एटीपी जो होता है, ओके बेटा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये फुल फॉर्म हम लिखेंगे एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन। ठीक है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, सही, ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि भाई एक्चुअली क्या होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी वो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर काफी दो तरह की केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आपको मैं एटीपी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे अगर बात करें, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें एटीपी जो होता है वो यूज होता है, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें एटीपी को बाहर निकाला जाता है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन उनके अंदर होता है, एटीपी एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास में क्या होता है, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडरगोनिक और एक होती है एक्सरगोनिक रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले आपको किसके बारे में, मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारे पास में, ये मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख लेते हैं, सिंपल रहेगा हमारे लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन है एटीपी के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। तो एक जो रिएक्शन हमारी होती है उसको तो बोलते हैं एंडरगोनिक, क्या बोलेंगे उसको, एंडर गोनिक रिएक्शंस, गोनिक बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है भाई, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, करेक्ट बेटा,
यस सर, बिल्कुल सही लिखा आपने। एंडोथर्मिक बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ये ऐसी रिएक्शंस होंगी बेटा जिनके अंदर आप क्या करोगे, एटीपी का यूटिलाइज करोगे, एटीपी को क्या करोगे, यूज करोगे, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी। क्या हो पाएगी? तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो सकती। चलो तो यहां पर क्या लिख सकते हो कि रिएक्शंस इन विच एटीपी यूज, ऑलराइट ना, या एटीपी इज यूटिलाइज, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एटीपी का यूज किया जाता है। ओके ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं रिएक्शन इन विच एटीपी यूज, रिएक्शन इन विच एटीपी यूज, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी यूज होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक अपने पास केमिकल रिएक्शन, सपोज ये सब्सट्रेट है कोई, ओके मेरे भाई ये कोई सब्सट्रेट है, अब इस सब्सट्रेट को क्या करना है, आपके पास में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसको क्या चाहिए, इसको एटीपी चाहिए, तभी किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट ना? हाँ या ना बोलो भाई। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो हमारे पास में हो जाएगी एंडरगोनिक, ठीक है, एंडरगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एटीपी का यूटिलाइजेशन अगर जिसमें हो रहा है वो क्या हो गया, एंडरगोनिक हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको। चलिए सेकंड बात करेंगे अपन अपने आगे पॉइंट के बारे में। सेकंड होता है हमारे पास में एक्सेलगोनिक, सेकंड कौन सा मेरे भाई, सेकंड होता है एक्सेलगोनिक। एक्सेलगोनिक में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी वहां पर क्या होगा बेटा आपके पास में, तो यहां पर अपन लिखते हैं इसको, है ना, अच्छे से लिख देंगे यहां पर एक्सेलगोनिक, ठीक है, तो ये अपने लिखा एक्सेलगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है भाई। तो ये अपने लिख दिया एटीपी के बारे में यहां पर, तो ये ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है, यस और नो, रिएक्शन इन विच एटीपी फॉर्म, तो जस्ट इसका आप लिख सकते हो यहां पर, अपन कलर चेंज करते हैं इससे लिखेंगे इस बार, रिएक्शंस reactions in which ATP form, ATP क्या होता है, form होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप, ठीक है, जैसे समझना आप, जैसे समझेंगे आप लोग, हमारे पास में जैसे कोई सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन पे, ओके, आपको क्या मिला, प्रोडक्ट तो मिलेगा इसे भाई, प्रोडक्ट तो मिलेगा इसे, इस प्रोडक्ट के अलावा आपको क्या मिलेगा यार, इसके अलावा आपको एटीपी भी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एटीपी भी मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं यहां पर ये एटीपी मिला, तो यहां पर एटीपी क्या हो रहा है, एटीपी का हो रहा है सर फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है, और फॉर्म होके क्या मतलब फॉर्म होता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सेलगोनिक, यानी एटीपी एग्जिट होगा, यानी एटीपी बनेगा। और सेकंड होती है एंडरगोनिक रिएक्शंस, ये ऐसी रिएक्शंस होती है बच्चों जिनके अंदर क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो यूटिलाइज होता है, एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा तभी वो रिएक्शंस क्या होंगे अपने पास में हो पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं हो पाएंगे, करेक्ट ना, कहानी समझ में आई आपको। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या समझ सकते हो कि एटीपी सर यहां पर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है एटीपी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए अपनी, एटीपी यहां पर यूटिलाइज होता है, आया समझ में आपको यहां तक। चलिए आगे बात करेंगे अपन, एक्चुअली क्या होता है समझेंगे अपन थोड़ा सा और आगे इसमें। देखिए भाई हमारे पास में टॉपिक आ गया कि भाई जो एटीपी होता है, एटीपी में होता क्या है एक्चुअली, तो सुनो, हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी फूड खा रहे हैं, उससे क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी बनती है, क्या बनती है, बहुत सारी एनर्जी बनती है। अब उस एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए स्टोर फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एज ए स्टोर फॉर्म में रखना पड़ेगा। सपोज दैट आपने रात को चावल खाए, अब चावल मतलब आपको पता है कि सर कार्बोहाइड्रेट होता है, सर स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है, अब स्टार्च आगे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ब्रेक होगा, ठीक है, जाएगी डाइजेस्ट होगा, फिर उसने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज आपके सेल में गया, तो वहां पर आप देखेंगे बेटा कि वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाता है, ओके। अब वो एनर्जी अगर ऐसी फ्री फॉर्म में रहेगी तो वो हीट की फॉर्म में आपको लॉस हो जाएगी, यानी वो एनर्जी का कोई मतलब नहीं, तो वो एनर्जी क्या करें, वो एनर्जी को हम क्या करते हैं, ऐसे स्टोर फॉर्म में रख लेते हैं। जैसे आज के जमाने में होता है, अगर आपका ढेर सारा पैसा घर पे रखा हुआ है तो धीरे धीरे वो खर्च हो सकता है आपका पैसा, ओके, एक ऐसा आ जाएगा कि आपके पास पैसा ही नहीं है,
तो आप क्या करते हो, या तो बैंक में उसको जमा कर देते हो, या बैंक में एफडी बना के आपने रख दिया, या आपने ट्रेडिंग में उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यार, उस पैसे को स्टोर फॉर्म में रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। आप गोल्ड खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें आप खरीद कर सकते हो, ताकि आपने पैसा आपका इस तरह से स्टोर कर लिया उसको, ऑलराइट ना। अब क्या होता है, सेम कहानी यहाँ पर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, आपने कोई भी, जैसे सपोज दैट हमने क्या करा, हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या करा, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के आपको मिली बहुत सारी एनर्जी, मिली क्या, मिली बहुत सारी एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है, अगर फ्री फॉर्म में रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, अगर ये फ्री फॉर्म में, इफ फ्री फॉर्म, इफ प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, अगर फ्री फॉर्म में रहेगी तो इट कैन बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो आपने खाना खाया उसका तो कोई सेंस ही नहीं निकला ना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी तो है नहीं स्टोर फॉर्म में। तब जब आपकी सेल को जरूरत पड़ेगी काम करने की, तो उनको तो एटीपी भी चाहिए, ओके। तो फिर क्या करें, क्योंकि हम सारे वक्त तो खाना खाते हुए नहीं रह सकते, ओके। तो हमको एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ता है, सही बात है ना, ओके। तो हीट के फॉर्म में लॉस ना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्री एनर्जी होती है, ओके, इस फ्री एनर्जी को क्या करोगे आप, देखो तो हम क्या करते हैं, इस फ्री एनर्जी को, जैसे हमारे पास में एडीपी होता है सेल के अंदर, हम क्या करते हैं इसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इनके बीच में बनाते हैं बॉन्ड, ओके। तो ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आपके पास में उस सारी एनर्जी को फिट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इसको फिट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बाद में क्या होता है, जब भी सेल को जरूरत पड़ी, यानी कि जब भी सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जब भी सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो गया, एंडो कर, है ना, एंडो करेंगे इसको, यार यहाँ पर अपन इसको एंडो कर देते हैं, जो एक सेकंड एंडो, ठीक एंडो एंडोर्गोनिक। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसको होने के लिए एटीपी चाहिए, तो फिर हमारे पास में ये जो एटीपी है, कौन सा वाला यार, ये जो एटीपी मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ये जो एटीपी है, ओके, ये एटीपी क्या हो जाएगा आपका, यूटिलाइज होगा, सही बात है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पे बताइए मुझे। तो ये मैंने आपको एटीपी के बारे में बताया। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है एटीपी, ये बनता भी और ब्रेक भी होता रहता है। अगर मैं आपको बोलूं सेल के अंदर क्या स्टेटस होता है इसका, तो समझे आप, यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा होगा, जो एटीपी है वो क्या बना रहा होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है यार, वो बना रहा है एटीपी, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एटीपी का ब्रेकडाउन भी हो रहा होगा, और उससे जो एनर्जी मिल रही है उससे हम बॉडी के रिएक्शंस करा रहे होंगे, बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस करा रहे होंगे, बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, सही बात है। तो इसको तो इस वाले ऊपर वाले एरो को हम बोलते हैं सिंथेसिस, यानी कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर एटीपी का सिंथेसिस चल रहा होता है, और कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, ये एटीपी का क्या होता है बेटा, थोड़ा बेसिक हमने देखा कि एटीपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। अब बात करेंगे एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में, एक एटीपी के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, करेक्ट ना। तो चलिए बात करते हैं एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में, एटीपी के स्ट्रक्चर में क्या आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो चलिए हेडिंग अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से हेडिंग डालता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, ओके बेटा, ठीक है। थोड़ा किसी ने म्यूजिक चला रखा है, मैं थोड़ा सुन को शांत करा देता हूँ, क्या समझ लो लेक्चर बना रहा हूं है। अरे कृष्णा रुक प्लीज यार, मेकिंग लेक्चर का, ठीक है भाई, है ना, अपने बोल दिया इनको कि यार थोड़ा बना लें दो लेक्चर, बहुत कम समय मिलता है, वैसे संडे का टाइम मिलता है लेक्चर बनाने का, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल की बात करते हैं यार, तो देखो इसकी फुल फॉर्म से हम इसके स्ट्रक्चर को निकाल लेंगे, है ना, क्या करेंगे इसकी फुल फॉर्म से इसके स्ट्रक्चर निकालेंगे, कैसे समझू, देखो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या बात करी थी हमने, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, क्या बोला था हमने इसको,
एडिनो सिन ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि एडिनोसिन क्या होता है, ट्राई का मतलब समझ गए होंगे आप, ट्राई मतलब तो क्या है सर, ट्राई मतलब तो तीन है, और फॉस्फेट का मतलब भी आपको पता है सर, फॉस्फेट ग्रुप है यानी कि H3PO4 ये लो, फॉस्फोरिक एसिड ये लो। अब हमारे पास में आता है एडिनोसिन क्या होता है। ओके, तो चलो एडिनोसिन की बात करते हैं, एडिनोसिन क्या है, फिर अपन इसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आपको, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सब चीजें बताएंगे बेसिकली। ठीक है, तो सुनो, आपने अगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात करी हो पढ़े हो आपने, तो हमारे पास में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। बेटा क्या होते हैं हमारे पास में, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर आपको पाए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसमें आते दो चीजें होती है, एक तो होता है पाइरिमिडीन, क्या होता है पाइरिमिडीन, और एक होता है आपके पास में प्यूरिन। ठीक है, एक होता है हमारे पास में प्यूरिन और एक होता है पाइरिमिडीन, दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं आपके। ठीक है, जो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने बेसिकली वहीं पढ़े होंगे इसको, जब आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी, आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी, तो आपने की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि डीएनए बेसिकली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स एंड आरएनए इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाइट्रोजन बेस पेयर। ओके, तो वही आपके पास में क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर से मिलकर बना होता है। तो काफी बार क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, किसमें कौन सा मिलता है, तो अगर हम बात करें प्यूरिन, कौन मिलेगा भाई प्यूरिन, प्यूरिन की खासियत क्या होती है, प्यूरिन की खासियत होती है कि पहले तो ये इसमें डबल रिंग होती है, क्या होती है डबल रिंग, तो इसमें क्या मिलेगी आपको डबल रिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आपके पास में एक तो आता है एडीनिन, ठीक है, और एक आता हमारे पास में गुआनोसिन, क्या आता है, एक तो आता है एडीनिन एक आता है गुआनोसिन। तो एडिनिन को आप क्या लिख सकते हो यार, शॉर्ट में इसको अपन ए लिख सकते हैं, गुआनोसिन को अपन जी लिख सकते हैं, ए जी लिख सकते हैं। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये दोनों प्यूरिन के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है भाई प्यूरिन के एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपके पास में नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ में अगर शुगर मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोल देते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो इसको भी लिखते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है थोड़ा बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की कहानी है कि जब उसके पास नाइट्रोजन बेस पेयर है और उसके साथ में कुछ शुगर ऐड कर दे अपन, क्या कर दे यार, उसके साथ में कुछ शुगर ऐड कर दे आप लोग, तो जब जैसे आपने शुगर ऐड किया तो वो क्या हो गया, वो हो चुका है आपके पास में न्यूक्लियोसाइड, करेक्ट ना। अब बात करते हैं एक और टर्म आते हैं हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड के बारे में, किसके बारे में न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ये भी लिख लेते हैं भाई यार। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बस सिंपल है बेटा कि आपके पास में जो न्यूक्लियोसाइड होता है क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में आप क्या कर दो, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में आपको कर देना है सिंपल सा फॉस्फेट ग्रुप एड, तो ये क्या बन गया आपके पास में, एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है, क्या बन चुका है, ये कि न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, शुगर होता है, और क्या होता है बेटा आपके पास में फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो एटीपी मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, वैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, करेक्ट ना। तो यहां पर लिख सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड, क्या लिखा मैंने यहां पर इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि एटीपी मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पर एटीपी जो मॉलिक्यूल होता है प्यारे बच्चे, एटीपी मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड, इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको, देखो तो नाइट्रोजन बेस पेयर कौन सा होता है हमारे पास में, नाइट्रोजन बेस पेयर होता है हमारे पास में एडिनो एडिनिन, और इसमें शुगर मिलती है आपको राइबोज शुगर, जो कि पांच कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है, उसको बोलते हैं अपन राइबोज शुगर बोलते हैं। तो कौन सी शुगर मिलेगी यहां पर, राइबोज शुगर, तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है बेटा, तो राइबोज शुगर कैसी होती है वो समझेंगे अपन यहां पर, तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर मैं, राइबोज है ना, राइबोज शुगर,
ठीक है यार, ये तो सुने ही नहीं यार, ये तो आवाज फिर से चालू करते, मुझे वापस समझाना पड़ेगा, करना पड़ता है। कई बार लोग नहीं समझते तो उनको समझाना पड़ता है, नहीं यही लाइफ है। तो एक बार आप बोलो, आराम से बोलो, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, लेकिन क्या है ये कलयुग है और कलयुग में लोगों को प्यार और प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती, नहीं मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आपके दोनों तरह से आप रहना चाहिए, यू आप पोलाइट भी रहो और जब नहीं निकल रहा हो, जब काम नहीं बन रहा हो पोलाइट से, ओके, आपके सॉफ्टनेस से काम नहीं बन रहा हो तो आप क्या कर रहे हैं, फिर आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल व्हाट यू डू इन दिस सिचुएशन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो राइबो शुगर की मैं आपसे बात कर रहा था कि राइबो शुगर क्या होता है हमारे पास में। तो राइबो शुगर का मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना, ओके, तो बहुत स्ट्रक्चर्स बेसिस डायग्राम है, होप सो आपको याद रहना चाहिए। देखो, पांच कार्बन का इसमें क्या होता है, शुगर होता है, छह कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है भाई। तो कैसे है अपने पास में, देखो यहाँ पर, ओके, ये ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या है, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास में राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है भाई, किसका स्ट्रक्चर है, ये राइबो शुगर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में, यहाँ पर प्रेजेंट होगा H, यहाँ पर होता है OH, ठीक है, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, और यहाँ पर होता है H, और यहाँ पर होता है CH2, और यहाँ पर होता है OH। तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो किसका है बेटा, राइबो शुगर का होता है, किसका होता है, राइबो शुगर का होता है। अब अपन एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें एडेनिन के बनाएंगे और एक फॉस्फेट के बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से हम एटीपी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे। तो पहला तो आपको समझ में आ गया, पहला हमने स्टडी कर लिया ये। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बना लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, या सेकंड नंबर बनाते हैं एडेनिन के बारे में, ठीक है, बना लेते हैं, ओके। तो एडेनिन क्या होता है आपको पता लग ही गया कि सर ये तो दो रिंग बनानी है अपन को, तो इस तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है भाई, ओके, ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है कंप्लीटली, ठीक है। और यहां पर आपको N टिका देना है, नाइट्रोजन होता है यहां पर, ठीक है भाई, और यहां पर होता है NST ग्रुप, क्या होता है, NS2 ग्रुप होता है यहाँ पर, ये NST ग्रुप होता है NS2, ठीक है भाई, और यहाँ पर नाइट्रोजन 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 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का, किसका स्ट्रक्चर भाई, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। और थर्ड अपन बना लेते हैं फॉस्फेट का, किसका बना लेते हैं, फॉस्फेट का। तो बनाते हैं यहाँ पर, देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा, आपके H3PO4 बनाना है आपको, OH, OH और OH। तो ये क्या हो गया आपके पास में, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, क्या हो गया भाई, ये H3PO4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, करेक्ट ना। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं अपन आगे की चीजों के बारे में। देखो अपन एक काम करेंगे, यहां पर इनको नंबरिंग भी दे देते हैं, जैसे यहां से इसको बोलते हैं 1, ठीक है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, ये पांच कार्बन हो गए हमारे पास में, इसमें होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये होता है 9। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में एटीपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, करेक्ट। चलिए तो देखते हैं अपन एटीपी मॉलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाएंगे अपन, है ना। तो सुनेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है एटीपी। तो देखो आपको बनाना है सिंपल सा एडेनिन बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल सा एडेनिन बनाना है, और उसके साथ में राइबोस जुड़ेगा और फिर राइबोस से शुगर जुड़ जाएगा। क्या क्या सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहिए तो कैसे बना सकते हो आप इसको, देखो यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यस मैं थोड़ा एडजस्ट कर लू यार टेप को, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या आपके पास में, कि भाई हमारे पास में एडेनिन होगा, क्या होगा सर, एडेनिन होगा, ये एडेनिन का, इसके साथ में कौन जुड़ेगा, इसके साथ में जुड़ेगा राइबोस शुगर, राइबोस
शुगर, और राइबो शुगर के साथ में कौन जुड़ गया है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। समझ में आया आपको? इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, ये बन जाएगा ATP मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बना देते हैं एक बार क्या स्ट्रक्चर है, देखो मैं बताता हूं आपको सिंपल सा यहां पर। ओके, तो अभी हमने बनाया किसके बारे में, अपने भी एडेनिन बनाए, तो एडेनिन बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास में बन जाएगा एडेनिन। ठीक है, डबल बॉन्ड डाल के इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे अपन को, ये एन हो गया हमारे पास में, यहाँ भी एन टिका देना अपन को, और इसके ऊपर तो आपको पता ही है NH2 प्रेजेंट होगा, इसे क्या प्रेजेंट होगा, NH2 होगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपन इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपन टिकाना है कार्बन होता है, और यहाँ पर होता है हमारा नाइट्रोजन। तो मैंने कहाँ कहाँ पर, देखो एक तो इस जगह पर नाइट्रोजन है, एक इस जगह पर नाइट्रोजन है, एक इस जगह पर नाइट्रोजन है, एक इस जगह पर नाइट्रोजन, यानी दो नंबर पे नाइट्रोजन है, तीन पे नाइट्रोजन है, और इधर से सात पे नाइट्रोजन है, और नौ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, जो नाइन नंबर का नाइट्रोजन होता है उसके साथ में कौन जुड़ता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे, हमारा स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो ये हमारे पास में नाइन नंबर होता है, तो अब क्या होता है, सुनो, नाइन नंबर का नाइट्रोजन जो होता है एडेनिन का, वो सुक्रोज राइबो शुगर के फर्स्ट किसके साथ में, फर्स्ट कार्बन के साथ में बॉन्ड बना, करेक्ट। और जो राइबो शुगर का पांच नंबर का कार्बन होता है उसके साथ जुड़ते हैं तीन फॉस्फेट ग्रुप, कितने जुड़ते हैं, तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली हम वही बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बना लेते हैं फटाक से स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में इस तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाएंगे अपन, देखो एक बार यहाँ पर कार्बन टिकाते हैं अच्छे से पहले, तो यहाँ भी कार्बन टिका देते हैं, और ये बनाते हैं अपन इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर, इसका ये ओ बन गया हमारा, और ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी, ये रही कहानी। ओके भाई, और यहाँ पर आपके पास में ये सिंपल सा कैसे एच रह जाएगा, यहाँ पर CH2 जो होता है वो OH जो होता है वो निकल जाएगा मॉलिक्यूल, पानी के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में यहाँ पर, और बस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में, ये एच हो गया, ऑल राइट। तो और यहाँ पर OH टिकाने, यहाँ पर OH टिकाने, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H रहेगा। अब क्या होता है, हमारे पास में जो तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं अपन इनको, तो O P डबल बॉन्ड O, ठीक है मेरे भाई, और नीचे आ जाएगा OH, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ये O, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इस तरह से बॉन्ड बनाना अपन, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हल्का सा लेयरदार बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कि ये हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड होता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना, ओके, जो लेयरदार बनाते हैं अपन। चलिए भाई, ओके, अब बनाते हैं अपन अगला, ये पी हो गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है भाई, ये ओ एच हो गया, ये ओ हो गया, तो वापस अपन को लेयरदार बॉन्ड बनाना है। ठीक है, ये लेयरदार बॉन्ड बन गया अपने पास में, और ये बन गया पी, ये बन गया डबल बॉन्ड O, ये बन गया OH, ओके, और ये बन गया OH। तो यहाँ पर जो ये होते हैं, इनको अपन नाम भी देते हैं बेसिकली, फॉस्फेट होते हैं तीन फॉस्फेट, तो ये जो सबसे पहला वाला फॉस्फेट होता है इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं गामा फॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, गामा फॉस्फेट बोला जाता है। ओके, और ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। ओके, और ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके भाई, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ये एस्टर बॉन्ड होते हैं, आई बात समझ में आपको। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी बनाई है अपन ने, ये पूरी स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास में ATP मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर बनी है, ATP मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनी है। तो यहां आप देख सकते हो, ये फॉस्फेट नंबर एक होता है हमारे पास में, ये सेकेंड होता है, और ये थर्ड होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्ट्रक्चर निकल के आती है। वापस समझाता हूं आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पर कि ATP एक न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको समझाया पहले कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कि नाइट्रोजन बेस पेयर प्लस शुगर, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप एड हो जाए, क्या हो जाए, फॉस्फेट ग्रुप एड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, शुगर मिलती है, राइबो शुगर मिलती है, जो कि पांच कार्बन की शुगर होती है, छह कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, पूरा का पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन इसमें लगा होता है टॉप में, ठीक है।
चलिए उसके बाद मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर समझाया, फिर मैं आपको एडेनिन की स्ट्रक्चर समझाया। एडेनिन एक प्यूरीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी कि यार होता है कैसे, तो एक्चुअली जो एडेनिन होता है उसका 9 नंबर का नाइट्रोजन क्या करता है, हमारे शुगर के राइबो शुगर के पहले कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बनाता है जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह से एडेनिन शुगर के साथ में अटैच्ड होकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या होता है यार, इसमें 5 नंबर का जो कार्बन होता है उस 5 नंबर के कार्बन के साथ में हमारा एक्टिव हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो पहला फॉस्फेट जो जुड़ता है उसमें बहुत कम एनर्जी होती है, ओके, उस बॉन्ड के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं अल्फा। देन आफ्टर सेकंड वाला जो होता है उसमें अच्छी एनर्जी होती है, अब ज्यादा एनर्जी है, ओके, कंपेयर टू फर्स्ट या नॉर्मल बॉन्ड के कंपेयर में बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, इसलिए हम इसको लहरदार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, लहरदार बना रहे, वेवी फॉर्म में बना रहे हैं। और ये होता है हमारे पास में थर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं टर्मिनल फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको। इस फॉस्फेट का नाम होता है टर्मिनल फॉस्फेट, टर्मिनल फॉस्फेट। तो जब भी एनर्जी चाहिए होगी तो सबसे पहले यही फॉस्फेट का होता है, हमारा अलग होता है, इसका ही सेपरेशन होता है एटीपी के स्ट्रक्चर से, करेक्ट ना, आई बात समझ में आपको। इस तरह से हमारे पास में क्या होता है यार, ये स्ट्रक्चर है एटीपी की स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां तक, ओके। अब बात करेंगे एटीपी जब सेल के अंदर यूटिलाइज हो रही है तो हम क्या करते हैं फॉस्फेट को रिलीज करते हैं, तब कितना कितना एनर्जी वहां से रिलीज होता है। तो चलिए बात करते हैं, सपोज है, आप क्या कर रहे हो, हम टॉपिक डालेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर एक्चुअली, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, सॉरी दिस इज आवर टॉपिक है ना, ये हमारा टॉपिक हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, तो वाटर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है यार, ब्रेक डाउन होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये हमने एटीपी बना दिया अच्छे से, ओके, मतलब टॉपिक डाल दिया अच्छे से। अब हम देखते हैं वाटर का कैसे हम यहाँ का करा रहे हैं, यूज करा के एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो सुनो यहाँ पर, तो जैसे क्या होता है, मतलब सपोज ये एटीपी है हमारे पास, क्या भाई एटीपी, तो ये वाटर आया हमारे पास में, ओके, और इसने क्या करा दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, करा दे हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल सर करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हाइड्रोलाइसिस कराने में क्या मिलेगा आपको, एक फॉस्फेट यहां से निकल गया तो एडीपी मिलेगा, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया आपको, ये सेपरेट हो गया यहाँ पर, और इससे जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, 7600 कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल मिल रहा है, कोई दिक्कत तो परेशानी। अब क्या होता है सेकेंड अगर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं टर्मिनल फॉस्फेट हमारा रिलीज हुआ, क्या हुआ है टर्मिनल फॉस्फेट रिलीज हुआ, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो हमारे गामा फॉस्फेट में होती है ना, कि गामा फॉस्फेट तो रिलीज किया अपन ने, सबसे पहले ये फॉस्फेट हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, तो हमने ये फॉस्फेट हटा दिया। चलिए भाई आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, कि हमारे पास में एडीपी मॉलिक्यूल होता है प्लस हमारे पास में इससे वाटर की प्रेजेंस कर देते भैया, ये लो, ठीक है, तो ये वाटर रहा हमारे पास, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, इससे सेपरेट हुआ यहाँ, तो वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ यहाँ पर, तो क्या निकल, सॉरी यार, वाटर की प्रेजेंस में हम क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओके, प्लस, और कितना एनर्जी हो जाएगा यार, पर मोल, ठीक है। अब हम सेम करेंगे एनपी के साथ में, तो वही उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस चल रहा है। अब क्या बन जाएगा आपके पास में, सिर्फ एडेनिन रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एडेनिन, ओके, और यहां पर क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गया हमारे पास में H3PO4, और यानी एक फॉस्फेट और रिलीज हो गया, और इससे निकलती है 2200 किलो कैलोरी, 2200 किलोरी पर मोल निकलती है, ओके। तो देख सकते हो आप यहां पर, आपको दिख जाएगा कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमको क्या होता है, जो पहला टर्मिनल फॉस्फेट यानी कि हमारा गामा फॉस्फेट रिलीज होता है, तो आपको एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा, और जब हमारा कौन सा बीटा फॉस्फेट रिलीज होता है, ये बीटा रहा, तो आपको मिलती है थोड़ी उसकी कंपेयर में कम, जो कि 6500 होती है। उसके बाद हमारा जो फाइनल निकलता है उसमें कितनी निकलती है, 2200, करेक्ट बेटा। इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होता है, और एटीपी मॉलिक्यूल से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब बात करेंगे एटीपी का यूटिलाइजेशन कहां कहां पर होता है, तो हम लिखेंगे टॉपिक कि एटीपी यूजेस
ओके, टॉपिक क्या हो गया हमारा, एटीपी यूज। ठीक है, तो एटीपी यूज कहां कहां होता है, तो सुनो, देखो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सारे के सारे जो एंडरगोनिक रिएक्शन है या एंडरगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे मतलब प्लांट के भी कह सकते हैं एंडर, एंडरगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंडरगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, एंडरगोनिक बायोकेमिकल रिएक्शन, तो इन रिएक्शन में क्या होता है, आपको एटीपी मिलेगा। जैसे अगर बात करें आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, सबके लिए हमें क्या चाहिए, सबके लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। क्या चाहिए यार सबके लिए आपको, एटीपी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी ग्रोथ प्लस मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्लस उसको मेंटेन करने के लिए, ओके, उसके मेंटेनेंस के लिए। सेकेंड हमारे पास में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पर भी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मॉलिक्यूल में एटीपी खर्च होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिंथेसिस चल रहा है, तो सिंथेसिस में भी क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर बात करें, जैसे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, फेट हो गया। फोर्थ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, एब्जॉर्बेशन। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब करना है प्लांट्स में, आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स, ठीक है, तो वहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आता है, ओके, तो वहां पर भी एटीपी खर्च होगा, तो एब्जॉर्बेशन में भी एटीपी खर्च होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एटीपी खर्च होता है वहां पर, तो एब्जॉर्बेशन में। एब्जॉर्बेशन कौन सा, एक्टिव वाला एब्जॉर्बेशन। ठीक है, और बात करते हैं, जैसे बात करते हैं अगला सेल डिविजन, यानी जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल्स बनती है तो उसमें भी काम आता है। सिक्स बात करते हैं अपन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हमारे सेल के अंदर, तो प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म का जो स्ट्रीमिंग होता है, उसमें भी क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। और देखो और कहां कहां हो सकता है, हमारे कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स लेते हैं हम, हालांकि इसमें भी कुछ बहुत सारे एग्जांपल एनिमल के, जैसे सुनो बेटा, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपको लोकोमोशन हो रहा है, आप लोकोमोशन करने में चल रहा हूं यहाँ पर इस तरह से, या मूवमेंट हो रहा है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए भी कौन जरूरी होता है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। सेकेंड क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल कंसंट्रेशन, मसल मैकेनिज्म में या मसल कॉन्ट्रेक्शन में, ओके, तो आपके मसल्स को वर्क करना है, तो मसल्स को वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए, मसल को वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए, एटीपी की जरूरत होता है, एटीपी के बिना काम नहीं चलेगा, ओके, तो एटीपी का यूज क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में या मसल को रिलैक्स कराने में, कॉन्ट्रेक्ट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड आता है हमारे पास में न्यूरॉन्स जो होता है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपने इंपल्स को, न्यूरॉन इंपल्स को आगे दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एटीपी चाहिए, यानी कि नर्वस ट्रांसमिशन कह सकते हैं आप इसको, नर्वस ट्रांसमिशन, ओके, इसको सही से लिखता हूं, तो नर्वस ट्रांसमिशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई। ठीक है, तो नर्वस ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ये सब क्या आपके पास में, ये सब हमारे पास में क्या भाई, एटीपी के यूजेस हैं। क्या है ये, एटीपी के यूजेस, तो एटीपी इन जगहों पे यूज होता है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं यार जहां पर एटीपी का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ये एटीपी को यूज
किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये टॉपिक हो गए हैं। अब हमारे पास में आता है एटीपी सिंथेसिस वाला टॉपिक आता है। क्या आता है? एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, कि एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ प्लांट्स के अंदर बेसिकली कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझे एटीपी सिंथेसिस जो होता है उसके लिए दो सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। दो सेल ऑर्गेनेल कौन से है? एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी एटीपी सिंथेसिस होता है, ऐसी बात नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, बट हम सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं और जो दो मेजर है सेल ऑर्गेनेल वो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है, ज्यादातर एटीपी सिंथेसिस किया जाता है, यहाँ पर स्पेशल मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस तो खाली में अपन डाल लेते हैं एटीपी सिंथेसिस, तो यहाँ पर अपन फ्रेश पेज पे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्या हेडिंग है हमारा? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ तो देखो एटीपी सिंथेसिस के लिए हमारे पास में तीन मैकेनिज्म है यहाँ पर, है ना। एटीपी सिंथेसिस तीन स्टेप में हो सकता है। एक तो क्या होता है हमारे पास में, एक तो होता है हमारे पास में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगला होता है हमारे पास में सबस्ट्रेट लेवल, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। और थर्ड जो होता है हमारे पास में होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो एक्चुअली क्या होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? तो फॉस्फोराइलेशन जो मतलब होता है इस वर्ड का, तो यहां पर अपन हेडिंग डालते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ओके, एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस, एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस। या आप कह सकते हो कि जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है किसी मॉलिक्यूल पे, सपोज है एक सबस्ट्रेट, इस पे कौन ऐड हो गया? फॉस्फेट ऐड हो गया, इसको भी फॉस्फोराइलेशन से जाना जाता है, इसको भी फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस जब होगा तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप तो ऐड होंगे सही ना। ओके, तो ध्यान रखें बेटा एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस उसको भी फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, या किसी मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है अपने पास में फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो उसको भी फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। आया समझ में आपको? अब मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं ऑक्सीडेटिव में क्या होता है और सबस्ट्रेट में क्या होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। यहां पर अपन डालते हैं हेडिंग ऑक्सीडेटिव, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है एक्चुअली? ये जो प्रोसेस होती है वो कहां चलती है पहले उसको समझो। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां चलता है? ये ईटीएस में चलता है। कहां चलता है? ईटीएस। ईटीएस तो जानते होंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, वहां पर एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है। ओके, जो कि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेसिस या ऑक्सीसोम, जो कि क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है और क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, तो वहां जाके ये प्रोसेस चलता है। करेक्ट ना? आया समझ में आपको? तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली, जो NADH2 होता है बता दूं हल्का सा, ओके, और जो FADH2 होता है जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में क्रीप साइकिल में और लिंक रिएक्शन में बनते हैं, उनका क्या क्या जाता है? रीऑक्सीडेशन किया जाता है और उनसे क्या बनाया जाता है? एटीपी बनाया जाता है। जैसे अभी बात करें NADH2 के अंदर 3 एटीपी मिल जाएगा और FADH2 के अंदर 2 एटीपी मिलता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से ओके क्या मिलता है हमको? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑलराइट बेटा, सेकंड आता है हमारे पास में, सेकेंड है हमारे पास में सबस्ट्रेट लेवल। क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल,
स्ट्रेट लेवल। तो यह कहां पर होता है, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। कहां होता है ये, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मिलेगा आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि बेसिकली एटीपी बनना तो कहां चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस में बनना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है सबस्ट्रेट के लेवल पे ही, यानी कि जो अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो रहा है उसके लेवल पे क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता है। ठीक है, तो वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर सबस्ट्रेट लेवल पे बन रहा है उसी मॉलिक्यूल में बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में चलता है बेसिकली। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया ग्लाइकोलाइसिस। तो वहां पर भी आपको मिलेगा दो जगह पर काम होता है। ठीक है, दो पोजीशन से जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर कहां कहां पर बनता है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा हमारा। तो नाम से पता लग रहा होगा फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारी बेसिकली सनलाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस में, उसके थ्रू क्या करते हैं अपन एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। जो एटीपी बाद में कहां पर यूज होती है आपके पास में, आपकी डार्क रिएक्शन में यूज होती है, डार्क रिएक्शन में। तो ये एटीपी बनी कहां पर आपके पास में, ये एटीपी बनती है आपके पास में लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन में दो रिएक्शन चलती है, एक तो होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। क्या होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो वहां पर एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फोटो लाइट की वजह से बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल पे होता है इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेशन की वजह से बनती है, इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस तरह से हमारे पास में एटीपी होता है। ठीक है, होप सो कि आपको एक टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको कवर किए एटीपी के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको एटीपी के बारे में दी है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो बारे ना। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, आपके डाउट्स को लिया जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो आपके पास में आप प्लीज बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो यार, है ना। आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में है, आप जाओ पूछो। ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको जरूर दबाओ, इसके पास वाला ये वाला जो बटन है उसको भी बेल आइकन उसको प्रेस कर लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।